अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे। टुडे वी डिस्कस गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटे, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू कैरी आउट किया जाता है, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फर्दर टू मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड सेकेंड वन इज़ द लंग्स। तो बेटे, एयर पैसेज वे में यानी कि हवा किस तरह से रश आउट होकर किन किन पार्ट्स में से, किन किन बॉडी के ऑर्गन्स में से गुजर कर जाती है, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एयर पैसेज वे हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अब बेटे, मैंने इसमें आपको थियरी जो है वो नहीं लिखी, वो इस वजह से क्योंकि आपको अगर डायग्रामेटिकली समझ आ गई कि किस तरह से एयर पैसेज वे से कौन कौन से पार्ट से एयर रश आउट होती है, तो इसको थ्योरी की फॉर्म में लिखना इजी है। तो सबसे पहले जो बेटे एयर पैसेज वे स्टार्ट होता है वो है नोज से, एंड नोज इज़ इनक्लोज बाय द नेजल कैविटी। ठीक है, नोज की जो अंदर वाली कैविटी है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी को बेटे एक सेंटर से लाइन के जरिए से सेपरेट किया जाता है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके दोनों पार्ट्स को बोलते हैं नस्टर्नल्स। नस्टर्नल्स जो है इसकी हम आउटर नोज की आउटर ओपनिंग को भी कहते हैं, जहाँ से हवा जो है बाहर की तरफ आती है। अब बेटे, नेजल कैविटी जो है इसके अंदर म्यूकियस और फाइन इनके छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन फिल्टर द एयर एंड आल्सो मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। और म्यूकस का फंक्शन क्या है, इसने हमारी नोज की अंदर की जो कैविटी है उसको मॉइस्चर रखना है, उसको नमदार रखना है, ताकि हवा जो है वो खुश्क ना हो, गला खुश्क ना हो। नेजल कैविटी के साथ साथ ओरल कैविटी यानी कि जो मुंह की कैविटी, हवा जो मुंह के जरिए से अंदर जाती है ये। उसके बाद बेटे नेजल कैविटी जो है देन इनसाइड नस्टर्नल्स के ज़रिए से ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। इनसाइड ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज नोन एज द इंटरनल नस्टर्नल्स इन टू द फेरिंग्स। अब बेटे फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर एक ऑर्गन है। फेरिंग्स वो एयर पैसेजवेज का पार्ट है जो कि कॉमन है फॉर फूड एंड द एयर, यानी कि यहाँ पर फूड भी जाती है और एयर भी। फेरिंग्स जो है बेटे देन ओपन होता है लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स हैव द मेन टू पार्ट ग्लोटिस विच हैव लेड लाइक पार्ट एपिग्लोटिस। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में ओपन होगा, और लैरिंग्स जो है ये वो एयर पैसेज वे का पार्ट है जहाँ पर हवा जो है जस्ट गुजरेगी, यहाँ पर फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं गुजरेंगे, फूड पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है। अब बेटे इसमें एक बोटल नुमा स्ट्रक्चर होता है ग्लोटिस, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। के ऊपर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। जैसे ही हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर देता है, ताकि खुराक का कोई ज़रा जो है वो लैरिंग्स के अंदर ना जाए और खांसी वगैरह जो है वो ना लगे, या हिचकी वगैरह जो है वो ना लगे। लैरिंग्स बेटे अगर इसकी हम कंपोजिशन की तरफ देखते हैं तो ये कार्टिलेज बोन का यानी कि नरम हड्डी, करी हड्डी, जिसे जैसे नोज की हड्डी होती है या कान की, जैसे वो सॉफ्ट हड्डी के बने होते हैं, इसी तरह से लैरिंग्स आल्सो मेड अप बाय दी कार्टिलेज बोन। लैरिंग्स जैसे ही फिर ये गर्दन वाली साइड पर, कभी आपने नोट किया होगा हम ऊपर गर्दन नीचे मोड़ते हैं ऊपर मोड़ते हैं, वॉइस में ये नुकीली ज़्यादा वाज़ होती है। तो एक विंड पाइप होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। लैरिंग्स जो है फर्दर ओपन होगा इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो मेड अप बाय दी कार्टिलेज बोन बट इन सी शेप। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज बोन जो है वो सी शेप में होती है। आपने देखा गोल गोल जो सर्कल बने हुए हैं वो ट्रैकिया का पोर्शन है। ट्रैकिया, अब ये इसको विंड पाइप भी बोला जाता है, ये जस्ट हवा का रास्ता। ट्रैकिया जो है फिर देन हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर जाएगा, और चेस्ट कैविटी के अंदर जैसे ही ट्रैकिया एंटर होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों होना होता है, क्योंकि इसने अब लंग्स के अंदर फर्दर डिविजन्स करनी है। तो जैसे ही ट्रैकिया
थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर जाता है, तो वहाँ पर जाके लंग्स में ये एंटर होगा, और एंटर होने के साथ ट्रैकिया के डिविजन्स को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ट्रैकिया के डिविजन्स को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बेटे नेक्स्ट जो है स्मॉल एयर सैक्स में, जैसे ग्रेप्स की होते हैं, तो ग्रेप्स लाइक जो है थैलियों में वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये बेटे जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज। ब्रोंक्यूल्स देन फर्दर ब्रोंक्यूल्स फिर मज़ीद और डिवाइड होंगी, इनके अंदर मज़ीद डिविजन्स होंगी, ए स्पेसिस तकरीबन ना होने के बराबर होंगी, तो तब हम इन्हें बोल देंगे ये एल्वोलाई हैं, इन्हें तब कहेंगे एल्वोलाई। तो यहाँ तक बेटे जो था एयर पैसेज में था। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, जो कि मैंने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया था, पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेके जाएगी लंग्स की तरफ ब्लड को, और पल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस ले जाएगी ऊपर हार्ट की तरफ, इस तरह से गैसेस का, जैसे ब्लड, क्योंकि ब्लड का इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया, जैसे ब्लड रश आउट करेगा और ब्लड के साथ ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो बेटे ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।